दोस्तों, एमआईएम के गढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोद्दीन ओवैसी। ये तेलंगाना है, हैदराबाद है, यहाँ पर मजलिस है और बड़े बड़े आकर चले गए। हमने बीजेपी की बंडी में पंक्चर लगा दिया तो कांग्रेस को भी इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, पंक्चर लगाएंगे उनको भी। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं, अगर आप हिंदुस्तान का संविधान जो आईन जब बन रहा था, कानून साज असेंबली के आप पढ़ो, नौजवानों पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट पढ़ो, जब आईन बनाया जा रहा था मुसलमानों की, अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है तो इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। मैं बता रहा हूं आपको, आप जब पढ़ेंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे डराकर मुसलमानों के तहफात को छीन दिया गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को किस तरह उनको ढूंढा बनाकर दिखा दिया गया, यही जिम्मेदार है ये लोग। अगर आज हमारे पास भारत के मुसलमानों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल है। मैं जानता हूं कि मीडिया इसको उछालेगा, मगर चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट से किस तरीके से इनको धोखा दिया गया। अरे आज तेलंगाना में 2000 करोड़ का बजट है, वजारत अखिलेती बहबूद का तुम्हारे राजस्थान में क्या 250 करोड़, उतने ही मुसलमान है, 250 करोड़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हमारे वजीर आजम तेलंगाना को आए, अजीब वजीर आजम, एक तरफ ये बोलते एक तरफ ये भी बोलते, ये बोल दिया कि केसीआर ने कर्नाटका के इलेक्शन में कांग्रेस को पैसे दिए। अरे घड़ी में ताशा, घड़ी में माशा, क्या है मोदी जी, कर्नाटका में पैसे भी दिए, इधर भी आए, पैसे भी दे रहे, इधर भी आए, क्या बोलना चाह रहे आप, क्या कर दिया आपने देश का। इस वतन अजीज में नफरत को फैलाने का काम 2014 से और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। कहां मुसलमान बीजेपी में नजर ही नहीं आता, मगर वजीर आजम एक ही रट लगाते, सबका साथ, क्या क्या विकास, विश्वास बोलते, कोई नजर नहीं आता बीजेपी में। एक मुस्लिम एमएलए नहीं है इनके पास, एक है सर कहीं पर, एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा में, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। भारत की सियासत से मुसलमानों को हैरान कर दिया बीजेपी ने, तो कांग्रेस भी अब डर रही है, सेकुलर पार्टियां डर रही है। नहीं नहीं, जरा खामोश बैठो, खामोश बैठो, खामोश बैठो, खामोश बैठो, खामोश बैठो, हम खामोश बैठने को आए इस दुनिया में, हम खामोश बैठने को नहीं आए इस दुनिया में, हम लड़ाई लड़ने आए, अपना हक मनवाने आए इस दुनिया में। जो खामोश बैठेगा वो खत्म हो जाएगा, जो लड़ेगा वो जिंदा रहेगा। जो लोग खामोश बैठने के लिए कह रहे हैं, अरे तुम हमको 60 साल से खामोश बिठा कर रखे हो, तुमने क्या किया बताओ मुसलमानों के लिए, सिवाय डरा डरा कर। अरे जो दिल्ली में कांग्रेसी मिलता, अरे भाई हमको बोलते ओवैसी को देखो, ओवैसी को देखो, मेरा देखने की चीज है, बार बार देखो, हम कौन रोक रहा तो हम लोग आप भूलते कि नहीं, ओवैसी को रोकेंगे, इन्हें भूल जा रहा। अरे प्यारे मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे को मिला हैदराबाद में मुकाबला करने के लिए, तुम्हारा प्यारा अगर तैयार नहीं है तो किसी और को तैयार करो, मगर याद रखो असेंबली के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस ने जो पॉलिसी और फैसला लिया है, तेलंगाना की आवाम अल्लाह के फजल व करम से उसकी तारीफ करेगी और मजलिस उसमें कामयाब होगी। मैं पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ कह रहा हूं कि मजलिस जहां से अपने एमएलए से कैंडिडेट खड़ा करेगी, वहां से मजलिस के एमएलए कामयाब होंगे।
और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के पहले इसकी कामयाबी के साथ साथ तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर मामू बनेंगे जो तीसरी मरतबा। आप देखना ये बात, कांग्रेस का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, फसादात होते थे हैदराबाद में, इनके जाति झगड़े इतने हैं कि फसाद कराते थे लोग। हमको हैदराबाद को बचाना है, हमारे मासूम बच्चों को हम क्या मुस्तकबिल देंगे, इसको देखकर आपको फैसला लेना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इन बातिल तूफानों में चिराग है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इन जालिमों के खिलाफ एक चट्टान है, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इन ताकतवर जालिमों के खिलाफ एक सियासी आवाज आपकी है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को आपके बुजुर्गों ने, हमने अपनी कुर्बानियों से मजबूत किया है, मजलिस को मजबूत करिए।